અને હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરી છે। 27-28 ઓક્ટોબર પર્વતીય પ્રદેશમાં બરફવર્ષા થશે। દારા વાવાઝોડાની અસરથી વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ છે। તો 6-8 નવેમ્બરે પશ્ચિમી ગુજરાતમાં ઠંડી આવશે અને 7-10 નવેમ્બરે બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક વાવાઝોડું લાવશે। અરબી સમુદ્રમાં 13-14 નવેમ્બરે હલચલ જોવા મળશે। अठावीस ओगणतीस डिसेम्बर में उत्तरीय पर्वतीय प्रदेशों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बंस आवशे, जो कि हलवा प्रकार हे, परंतु ज्यां सुधी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बंस ना आए त्या सुधी ठंडी पड़वा शक्यता ओछी रहे। ज्यां सुधी ठंडी बराबर पड़े नही त्या सुधी रवि पाकों वावेतर सारी रीते मूकी शके नही। 15 नवेम्बर आसपास रवि पाकों वावेतर थवानी शक्यता रहे, डिसेम्बर की शुरुआत में घऊं की बीजी जातों वावेतर थवानी शक्यता रहे। जो कि डिसेम्बरनी शुरुआत में घऊंनी अन्य जातना अन्य वेराइटी वावेतर में तो ठंडी रहेशे, परंतु 15 नवेम्बर में वेस्टर्न डिस्टर्बंस आधार ठंडी शुरुआत गणाशे। हाल में गुलाबी ठंडी आवानी शक्यता रहेशे, परंतु तारीख देशना उत्तरीय पर्वतीय प्रदेशों में तारीख 7-10 नवेम्बर में एक बीजू वेस्टर्न डिस्टर्बंस आवशे अने आ दशा में बंगाळना उपसागर में एक मजबूत वावाझोडुं थवानी शक्यता रहेशे, जेनी असरना कारणे तारीख 7-14 में कईक गुजरात में मावठुं थाय के वादळवाळुं थाय एवी शक्यता रहेशे। तारीख 13-14 में अरब सागर में पण हलचल जोवा मळशे।